कहा इतना संडे होता है, ओ कम ऑन, डोंट बी सो सेंटिमेंटल। आपका संडे भले ही बुरी हो, पर मेरा संडे तो आज भी फंडे है। वो कैसे? बस संडे के कुछ गोल्डन रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। संडे का एस मतलब सोते रहो, और यू और डी मतलब देखो, दिन भर टीवी देखो, और ए का तो क्या कहना, आराम करो। और वाई मतलब याद करो, सभी दोस्तों को फोन करो, मैसेज करो, बस आपका संडे फंडे है। हाँ हाँ वंश, जान लिया तुम्हारा संडे का गोल्डन रूल, तभी तो तुम इतने पंचुअल हो। बचपन तभी तो मार्गदर्शन करके उसको भी ठीक ठाक कर सकता है, उसको भी रास्ते पर ला सकता है कि जीवन में शिक्षा जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है, उसको भी उसमें पार्टिसिपेशन करना चाहिए। इसके अलावा अदर कल्चर एक्टिविटीज़ हैं, उसमें भी उसमें उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो संघर्ष नहीं है, ये हमारी एक आशा होती है स्टूडेंट से कि वो भी और बच्चों की तरह, जो वीक स्टूडेंट है वो भी और बच्चों की तरह आगे आए और वो भी हर चीज़ में पार्टिसिपेट करें और अपना नाम अच्छा करें और साथ में स्कूल का नाम भी अच्छा करें। तानिया, तानिया जी, बच्चे को उम्मीद लगा के रहते हैं टीचरों से, खासकर टीचरों से बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है। भाई मैं ज़्यादातर कहीं जाऊँगा और मेरे को टीचर मेरे को बहुत ज़्यादा फॉलो करेंगे, या एग्ज़ाम में कोई ऐसी कुछ गलती होगी तो शायद मेरे को सपोर्ट करेंगे, तो क्या लग रहा है? देखिए, जो गलत है वो गलत होगा और जो सही होगा वो सही होगा। शिक्षक ही ऐसा इंसान है जो उसको सही मार्गदर्शन करके बताता है कि ये सही है और ये गलत है। उसको जो भी वो कार्य कर रहा है, जिसमें भी वो आगे बढ़ना चाहता है, उसको मार्गदर्शन देता है कि क्या उसको संघर्ष करना पड़ेगा, उसके आगे उसको क्या साइड इफेक्ट्स रहेंगे या उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या रहेंगे। तो इसी तरीके से टीचर उसको आगे गाइड करता है। और मैं ये कहूँगी कि बच्चों को पूरे स्कूल के आशाओं में सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है शिक्षक का। शिक्षक चाहे तो बच्चे को कुछ से कुछ बना देता है, और शिक्षक अपने डिसिप्लिन से, अपने मॉरल एजुकेशन के माध्यम से बच्चे को उज्जवल भविष्य के लिए सशक्त रूप से तैयार करता है। ये कर्नल सत्संग स्कूल में निरंतर होगा। तुषार गुप्ता, तुषार जी देख रहे जा रहा है जो आज इतने बच्चे आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें आपस में भी बहुत ज्यादा संघर्ष रहता है बच्चों के लिए, वो सोचता मैं फर्स्ट हूँ मैं फर्स्ट रहूँ, क्या लगता है इसमें कितने आप निचोड़ कर पाते हो बच्चों की सरकार? इसमें मैं मानता हूँ संघर्ष ज्यादा है, एक दूसरी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम सबके जीवन में हमारा बचपन बड़ा महत्व रखता है और उसका सबसे ज्यादा जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है स्कूल। तो जो भी बच्चे अभी कर रहे हैं, चाहे संघर्ष के बेसिस पे कर रहे हैं चाहे जैसे भी, लेकिन ये उनकी जिंदगी भर के लिए एक यादगार मेहनत करी है और पूरी मेहनत हम लोगों को दिखाते हैं और हमने कितनी पढ़ाई की है या फिर कितने स्पोर्ट्स में एक्टिवनेस दिखाई है और कितने सोशल इश्यूज दिखाई है। ये वो दिन होता है जब हम पूरे साल की मेहनत लोग सामने प्रकट करते हैं, एक्सपोज करते हैं। बेटा आपका नाम? हिमांशु। जो आशा जो कर रहे हो आप, आशा किस तरीके से आशा आप लोग दिखाना चाहते हो पेरेंट्स? यस आज कैसा फंक्शन कर रहे हो आशा में आप? क्या नाम है बेटा आपका? अग्रिमा। अग्रिमा। कहाँ पे आए हो आप? कैसा प्रोग्राम कर रहे हो? अच्छा। कहाँ पढ़ते हो आप? क्या नाम है आपका स्कूल का? अभी आप आए हो इस स्कूल का क्या नाम है? इस स्कूल का
हाँ जी, अच्छा क्या नाम है बेटा आपका? समीप्ता। आप आज प्रोग्राम करके आए हो, बड़ा अच्छा लग रहा हो, कैसा लगा प्रोग्राम आपको? अच्छा। अच्छा लगा? देखता है उसके एज ए पेरेंट्स लेकर चलता है, अपने बच्चे को किस तरह से ट्रीट करता है, ये सोच के हर बच्चे के साथ हम उसी तरह से ट्रीट करते हैं। अगर बच्चे में कहीं कोई कमी होती है तो ये नहीं कि बच्चे को डांट कर फटकार के प्यार से किस तरह से उसको मोल्ड करना है, उसे किस तरह से उसकी परेशानी को दूर किया जा सकता है, किस तरह से उसको आगे